If you like my content and do subscribe and like, and you can follow me on Instagram too. Hello everyone, I'm Roshni Jain. Welcome back to my channel. I hope aapko mera content acha lag raha ho. Agar acha lag raha ho, so please do like, share and subscribe to my channel. So aaj hum karne wale hain ek chhota sa kurti haul. ये कुर्तियाँ एक्चुअली हम लोग क्योंकि प्लस साइजेस की तरफ हैं तो ये कुर्तियाँ मैंने कहीं से परचेज नहीं की है, ना ही ऑनलाइन और ऑफलाइन. मैंने क्या किया है कि मैं एक स्टोर में गई हूँ, वहाँ पे मैंने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ फैब्रिक्स चुने हैं, जैसे कि जिन जिन भी टोन में मुझे चाहिए था, पिंक कलर में, ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, या फिर जिस भी फैब्रिक में मुझे चाहिए था, कॉटन चंदेरी, कॉटन, सिल्क, साटन, जो भी आप चाहें उस तरह. सो पर पीस मुझे अप्रॉक्स लाइक मुझे 3 मीटर लगता है, मे बी आपको 2 मीटर लगे. इन कुर्तियों ने मुझे कॉस्ट किया है अप्रॉक्स लाइक ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ पीसेस लाइक 200-300 कुछ इतना ही मुझे कॉस्ट किया है. और सो मैंने कुछ कुर्तियाँ बनवाई है, 7-8 कुर्तियाँ बनवाई है. ये कुर्तियाँ लाइक जैसे अगर मुझे 200 या 300 पीस पड़ रहा है तो आप अपने नियर बाय किसी भी टेलर के पास जा सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस का कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं ऑनलाइन देख के और स्टिच करवा सकते हैं. अब स्टिचिंग कॉस्ट ऑफकोर्स डिफरेंट रहती है विद इन अस्तर एंड ऑल, क्योंकि मैं ऑनलाइन इसलिए परचेज करना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से मिलती तो हैं अच्छी कुर्तियाँ, डिज़ाइनर भी होती हैं, बट मैं कम्फर्टेबल नहीं रखती मेरे को कि मैं उनको लॉन्ग टर्म पहन रखूँ. अगर मैं कुर्ती में 500-800 के बीच का भी अमाउंट डाल रही हूँ तो भी मुझे वो वर्थ नहीं लगता, बिकॉज उन कुर्तियों में बहुत लॉन्ग टर्म नहीं पहन पाती, उनका फैब्रिक अजीब हो जाता है, वो लूज़ हो जाती है, कई बार इवन धोने के बाद श्रिंक भी हो जाती है. एंड हम लोग प्लस साइजेस हैं और हम लोग को कुर्तियाँ बहुत अच्छी वाली मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. सो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं मार्केट से पीसेस लूँ और स्टिच करवाऊँ. मे बी ये आपको लगेगी ये कॉस्टली प्रोसेस है, पर अगर कॉस्टली भी है तो बट ये लॉन्ग टर्म भी है. सो मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ सारी कुर्तियाँ, लेट्स सी. सो जो फर्स्ट कुर्ती है वो है ये है, कुछ लाइंस बनी हुई है ग्रे एंड वाइट्स की एंड इस पे ये वर्क हो रहा है. ये है मुकेश का वर्क, आप देख सकते हैं ये कपड़े में सेल्फ वर्क है एंड इसकी भी इसकी स्लीव्स बहुत सिंपल सी दी है. इसका वी नेक है, यहाँ पे मैंने इसे दो होल से दिए हैं, बट इसके साइड में मैंने ऐसे बड़े से बटन दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, लुक देते हैं इस कुर्ती को. एंड सेल्फ इसमें अपना अपना काम हो रहा है तो ये कुर्ती अपने आप में ही बड़ी प्रिटी लगती है. ये कपड़ा बहुत अच्छा है, कॉटन है, सेल्फ वर्क है, मुकेश का काम है. कहीं भी जाएंगे, पार्टी में जाओ, किसी के बर्थडे में जाओ, कैफे जाओ, ये बड़ी ही प्यारी लगेगी. बहुत डिसेंट कुर्ती है एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं सब में सेल्फ वर्क ही लूँ ताकि मुझे वर्क कराने की ज़रूरत ना पड़े. सो इस हिसाब से ये कुर्ती बहुत प्यारी है, बहुत प्रिटी लगती है एंड आई एम इन लव विद दिस कुर्ती. सो नेक्स्ट कुर्ती है ये, जो कि है कुछ पर्पल टोन में और ग्रीन लाइंस में. इसमें एक ये खुद ही सेल्फ प्रिंट हो रहा है, ये थोड़ा साटन मतलब लाइक अंदर से ये कॉटन है बट बाहर से ये साटन लुक देती है. इसके ऊपर मैंने ये पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर की डिटेलिंग कॉलर लुक में डिटेलिंग कराई है. स्लीव्स मैंने इसकी बहुत सिंपल रखी है, ये जस्ट डे टू डे पर्पज़ की है. यहाँ से कुछ मैंने ऐसे श्रिंक वाला डिज़ाइन डाला है ताकि यहाँ पे ये प्लेट्स आ पाए. और ये बहुत ही सिंपल एलिगेंट कुर्ती है और आप इसको किसी भी ब्लैक ट्राउजर या ब्लैक जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं. ये प्रिटी कुर्ती है, आई होप आपको कंसीडर करना चाहिए कुछ ऐसा. ये मैंने विंटर्स के लिए बनवाई थी एंड अभी आई थिंक ये समझ में भी जाएंगी क्योंकि ये अंदर से कॉटन है प्रॉपर. सो नेक्स्ट कुर्ती है मेरे पास ये कुछ बेबी पिंक कलर की, ये बहुत ही प्रिटी कुर्ती है, जस्ट लुक एट द वर्क. ये मैंने एक बुटीक से करवाया है, ये मुझे कुछ इस तरह से प्लेन कपड़ा मिला था और मैंने इसको बीच बीच में हल्का हल्का सा वर्क दे दिया है, अगर आप देख पा रहे हैं. मतलब ये बहुत ही लाइट कलर के अंदर है, मतलब ये बेबी पिंक कलर के टोन में है. ये प्योर कॉटन कुर्ती है, इस पर सेल्फ ये वर्क हो रहा है और मैंने इसकी स्लीव्स पे ये कुछ इस तरह की लेस लगवा दी है ताकि ये बहुत ही प्रिटी लुक दे, वाइट टोन में दे. और इसका नेक मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है,
ये बहुत ही प्रिटी कुर्ती है, ये इतना सही कलर है ना, इतना सही कलर है ना कि इसको आप समर्स में कहीं भी पहन के जाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड ये वर्क की वजह से अपने आप में बहुत ही क्लासी लुक देती है, किसी भी छोटी मोटी पार्टी में या बर्थडे पार्टी में आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लुक देती है। नेक्स्ट कुर्ती भी समर के हिसाब से है प्रॉपर, ये है व्हाइट कलर की कुर्ती, आप मेरे वैलेंटाइन वीडियो में भी देखा होगा ये कुर्ती मैंने वेयर की है। इसमें कुछ ही ऐसा सिल्वर कलर का हो रहा है और कुछ व्हाइट कलर का, तो ना ही ये एक हैवी लुक देती है ना ही ये लाइट लुक देती है, बहुत ही अच्छी लगेगी समर के हिसाब से। इसकी स्लीव से मैंने कुछ ऐसा बॉर्डर जैसा लुक दिया है, कॉलर इसकी बड़ी ही सिंपल वी नेक में रखी है मैंने, और ये समर के हिसाब से प्रॉपर एप्रोप्रिएट है। एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये कलर पसंद हो क्योंकि मुझे व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड व्हाइट कलर कहीं पे भी जाता है, लाइक कहीं पे भी ब्लैक ट्राउजर के साथ पहनो एंड व्हाइट लुक्स टू गुड ऑन यू। कुर्तियों को मैंने प्रॉपरली ना सेल्फ वर्क में प्रेफर किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन पर काम कराऊँ बहुत ज़्यादा और इतनी महंगी पड़ जाए मुझे, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं ऐसे कपड़ा फैब्रिक उठाऊँ जिनमें खुद में ही सेल्फ में वर्क हो रहा हो, लाइक कुछ सिल्वर वाला हो, जैसे आपने मेरी पिंक वाली कुर्ती देखी उसमें से, तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज में कुछ काम करा है, बस ऐसे सिंपल सिंपल नेक डाल देंगे या फिर सिंपल सा ये भी डाल देंगे तो, और अगर आप खुद भी बनवा दें तो भी बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी वर्क ही डालना पड़ेगा, तो आई थिंक ये भी बहुत परफेक्ट लग रही है। सो नेक्स्ट कुर्ती है मेरे पास ये ग्रे कलर की, इसमें भी सेल्फ गोल्डन कलर का कुछ वर्क हो रहा है, इसके नेक पे मैंने ये गोल्डन कलर का ऐसे बॉर्डर दिया है, ये इसको बीजा वर्क कहते हैं राजस्थान में। इसके स्लीव्स पे भी मैंने दिया है, इस कुर्ती को मैंने थोड़ा सा हल्का सा हैवी लुक में दिया है ताकि इसको मैं थोड़ी सी एलिगेंट जगह पहन पाऊँ, ये ब्लैक ट्राउजर के साथ बहुत अच्छी जाएगी। इसके गले पे सब वी नेक देके मैंने ये थ्रेड दिया है, ये बहुत ही प्रिटी कुर्ती है। एंड इसकी भी लेंथ मैंने एकदम सिंपल सी सोबर सी लेंथ दी है, इसका प्रॉपर वर्क अच्छा है, ये गोल्डन टच में है, मतलब किसी भी छोटे मोटे फंक्शन पे मैं पहन के जा सकती हूँ, मैंने सारी डे टू डे के हिसाब से भी नहीं बनवाई है, कुछ फॉर स्पेशल ओकेजन उसके हिसाब से भी मैंने बनवाई है। तो ये मुझे ये कुर्ती मेरी वन ऑफ द फेवरेट कुर्ती है, इसका कलर देखो स्टील कलर, स्टील ग्रे कलर जो होता है ना प्रॉपर वो। सो द नेक्स्ट कुर्ती ये ब्लैक कलर में है, इसके अंदर ये देखिए ये कुछ फ्लावर्स बन रहे हैं, इस पर कुछ गोल्डन सा वर्क हो रहा है सीक्वेंस का सिंपल सा, ये कुर्ती बहुत ही प्रिटी है, मतलब डैम प्रिटी। ये फैब्रिक लीनर फैब्रिक है और ये मुझे एक्सपेंसिव पड़ा है, तो मैं नहीं कहूँगी ये मुझे 300 या 400 में पड़ा है, ये मुझे कुछ 600 का फैब्रिक ही फैब्रिक पड़ा है, बट ये फैब्रिक ही अपने आप में इतना सही है ना कि अगर स्टिचिंग के बाद ये मतलब प्रॉपर बुटीक पीस लगता है। इसका नेक मैंने कुछ इस तरह से दिया है, यहाँ पे हल्का सा कट है, अगेन ये कॉलर लुक आ रहा है, इसकी स्लीव्स पे ऐसा ये बो बना हुआ है, सिंपल सी स्लीव्स है, मैं सारी स्लीव्स 3/4 ही रखती हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल 3/4 में रहती हूँ, इनकी लेंथ भी सिंपल सी है, ये यहाँ पे कुछ बटन्स की डिटेलिंग हो रही है। ये कुर्ती इतनी सही है ना किसी भी वेडिंग में आप पहन के जाएंगे ना सिंपल सी कुर्ती, अगर आप जीन्स के ऊपर पहन जाते हैं या फिर अगर आप ऐसा फैब्रिक लेके सूट भी बनवा सकते हैं इट हार्डली मैटर्स। और ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, इन समर्स में तो लिनन अपने आप में ही बेस्ट रहता है, आपको और कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत प्रिटी कुर्ती है, इसका लुक बहुत अच्छा है और इसमें लुकिंग भी बड़ी अच्छी आती है और ब्लैक तो हमेशा ही जाता है, आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग। नेक्स्ट कुर्ती इज दिस वन, इट्स एन ऑरेंज, इसमें भी सेल्फ सा प्रिंट हो रहा है कुछ, ये कोई प्लेन ऑरेंज कलर की नहीं है, इसका मैंने वी नेक दिया है, ऊपर ये कॉलर सी दी है, इधर फ्रिल है, इसकी सिंपल सी स्लीव्स हैं, इसकी सिंपल वाली लेंथ है, इनकी बहुत ही डे टू डे पर्पज बनवाई थी मैंने, ये फैब्रिक भी कॉटन है, मैंने ऑफकोर्स इसके अंदर इनर लगवाया है क्योंकि मेरे को इनर चाहिए होता है, मैं थोड़ा प्रेफर करती हूँ सेफ्टी पर्पज से हिसाब से, और ये मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस कॉस्ट पड़ा है कुर्ता, एंड ये बहुत ही ये कोई मलमल कॉटन जैसा आता है जो सुपर सॉफ्ट होता है, ये वो कपड़ा है, एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं किया है, सो इट्स वर्थ बाइंग, एंड ये समर्स के हिसाब से भी सही है, तो आई थिंक नॉट अ बैड डील। सो आई होप आपको मेरी कुर्तियों के सजेशंस अच्छे लगे हों, ये प्रॉपर 7 कुर्तियाँ हैं
ये इनकी सबकी पर्टिकुलर कोई कॉस्ट नहीं है कि मैं आपको एक का कॉस्ट बताऊं, ये आपके टेलर के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपके ऊपर कि आप क्या डिज़ाइन देते हैं और किस तरह का फैब्रिक लेना पसंद करते हैं। कईयों को थोड़ा नॉर्मल फैब्रिक भी चलता है तो कई फैब्रिक के साथ साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जैसे कि मैं फैब्रिक के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ क्वालिटी के साथ। सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, अपनी अपनी चॉइस है, तो बट आप इस चीज़ को ना एक ट्राई दे सकते हैं समर्स के लिए और ये इतना कॉस्ट भी नहीं करता एंड आई थिंक बहुत प्रिटी लगता है। आप आराम से जाके कहीं से भी एक अच्छा सा फैब्रिक अच्छे से अपने नियर बाय किसी भी शॉप से एक फैब्रिक ले सकते हैं। सो आई होप आपको मेरे सजेशंस अच्छे लगे हों। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।